हाय एवरीवन माय नेम ए शिवाश बसीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कल यानि कि वेडनेस डे को कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है कल मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल क्योंकि वैक्सीनेशन मेरी हुई है वैक्सीन मुझे लगी है एंड उस वजह से फुल बॉडी पेन एंड हाथ में तो सबसे ज़्यादा दर्द कर रहा है ठीक है सो उस वजह से हम नहीं कर पाए बट मैं आज मार्केट पे लाइव आया था आप लोगों के लिए अराउंड दो बजे तो दो बजे भी मैंने आप लोगों को कुछ ट्रेड्स दिए थे आप लोगों को बताया था कि ये हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को दे रखा है एंड कुछ स्टॉक्स कल के पर्पज से भी आपको वहाँ पर दिए थे वही सेम स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ जो हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को एज अ बी ट्रेड बाय करवाए हैं वही सेम चीज आप लोगों को भी यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी सो डोंट वरी यहां पर आप लोगों को कल भी टारगेट्स मिल जाएंगे सो so वहां पर आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे अपने ठीक है सो so चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं जब से हम लोगों ने बात करी है किस तरीके से अप्रोच बना के चलनी है दोनों के ऊपर सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं सो so जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग अपने चार्ट्स की तरफ आ चुके हैं यहां पर मैं आप लोगों को चार इंटरडे के स्टॉक्स दूंगा जो आप लोग कल ट्रेड कर सकते हो और मैं आप लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं मेरे पास इंट्रा यानी कि कल के लिए और भी स्टॉक्स हैं तो मैं वो कुछ स्टॉक्स इंस्टाग्राम पे आज यूट्यूब या वीडियो फॉर्मेट के थ्रू पोस्ट कर दूंगा तो आप उसे वहां पर चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख के हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा तो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं जिस स्टॉक का नाम है आई आर सी टी सी आई आर सी टी सी पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का एक क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है अगर आप लोगों को यहाँ पर दो येलो लाइन से क्लियर हो रहा होगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट मिला यहाँ इस ब्रेकआउट पे हम लोगों ने बाय नहीं करा एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और जो भी आज मैं स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और जो भी इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करे गए होंगे वो दोनों के दोनों जगह के जो स्टॉक्स होंगे वो सारे स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को एज अ बी ऑलरेडी बाय करवा रखा है ठीक है एंड अभी जो हम लोगों ने आज दो बजे लाइव यूट्यूब पे आए थे तो दो बजे हम लोगों ने ये स्टॉक्स भी आप लोगों को सजेस्ट करे थे सो so गाइस अगर आप लोग लाइव मार्केट के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें जानना चाहते हैं अपने डाउट्स जानना चाहते हैं तो हमें दो बजे लाइव मार्केट पे फॉलो जरूर कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा डेली आने की आप लोगों के लिए ओके okay? गाइज यहां पर आप देखिएगा एक सेमिट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इस रेजिस्टेंस पे आप देख रहे होंगे वन आवर टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है तो यहां पर कितने टाइम हॉल्ट भी करा है लगातार तीन घंटे हॉल्ट है एंड उसके बाद एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है सो so, यहाँ पर भी आप लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं कल एक ही अच्छी मूवमेंट दे सकता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 1836 पे क्या डिप में बाय करें या और ऊपर बाय कर सकते हैं सो so, उसके लिए लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है लेट मी शो यू अबाउट द पैटर्न आल्सो यहाँ पर आपको एक पैटर्न विजिबल होगा जिस पैटर्न को हम लोग कहते हैं अब बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसने क्रिएट करा हुआ यहाँ देखेगा ये देखना एक शार्प अपमूव आई है इसके बाद एक रेंज के अंदर ये ही कंसॉलिडेट कराएं इसका क्लियर ब्रेकआउट इसने लास्ट कैंडल के अंदर हमें देखने को मिला है सो so येस yes, यहाँ पर आप लोग एक बाइंग करके चल सकते हैं करंट प्राइस की बात करूँ एटीन थर्टी सिक्स है मेरे दो टारगेट्स हैं फर्स्ट टारगेट है जो कि पंद्रह रुपये ऊपर है और जो मेरा सेकेंड टारगेट है वो मेरा तीस रुपये ऊपर है ठीक है तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटीन से लेकर एटीन तक जा सकता है ठीक थर्टी थर्टी फाइव पॉइंट्स तक और ऊपर ये जा सकता है तो इसके बेसिस पे आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हो बात करी की, तो आपको 15 रुपीज का करना पड़ेगा जो की, की टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि हमारा है अदानी इंटरप्राइजेस ठीक है आग मुझे लगता है कि गाइस थोड़े बहुत लोग ना बिलीव नहीं करते हैं मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर हम बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आपने एक्चुअल में देते भी हो अपने क्लाइंट्स को तो आप अपने टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस शो कर दिया करो सो डोंट वरी गाइस मैं आप लोगों को आज टेलीग्राम दिखा दूंगा जो मेरा प्राइवेट चैनल है उस पर हम कैसे कॉल देते हैं क्या सिस्टम है ओके okay? यहां देखेंगे अगर आप लोग तो देख पाएंगे कि एक समिट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसके अंदर भी बना था ना अदानी इंटरप्राइजेस उसके बाद यहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया नीचे आया नीचे आने के बाद रीटेस्ट करा एग्जैक्ट एट दिस लेवल एंड दोबारा ऊपर गया दोबारा ऊपर जाने के बाद आपको पता ही है अब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये जो लाइन देख रहे हैं मैं लाइन को रेड कर देता हूं ये लाइन एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही थी सो so, यहां पर हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा इन बिटवीन इससे भी पहले हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर दिया था कि एक ब्रेकआउट आने वाला है गो फॉर अ बाय एंड अबाय पर हम लोगों को एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है क्योंकि इस लेवल पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ इसपे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिस पैटर्न को हम लोग कहते हैं अब बियर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड इस वजह से मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा था दैट यू ऑल कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है ये आप देख पा रहे हैं एक बुलेस हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया था नीचे से एंड हम लोगों ने पर एक एक बाइंग करी शार्प ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है ठीक है तो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है इसका थर्टीन फोर्टी फोर रुपीज का मैं आप लोगों को एक बार इंस्टाग्राम दिखा, टेलीग्राम दिखा देता हूं हम लोगों ने किस लेवल पे बाइंग करी हुई है हम लोगों ने अदानी इंटरप्राइजेस बाय करा हुआ है एट एंड ओनली थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टीन रुपीज पे हम लोगों ने थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टीन रुपीज पे बाय करा हुआ है एंड करेंटली थर्टीन फोर्टी फोर फौर्ट चल रहा है बट डोंट वरी अगर आप लोग सोच रहे हैं हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ऐसा नहीं है आप लोग अभी भी बाय कर सकते हैं कल ये और ऊपर जा सकता है ठीक है कल इस पर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है बाय चांस अगर कल अच्छी मूवमेंट नहीं आती है तो परसों एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है ठीक है बट हमें ट्रेड कैसे करना है तो उसके लिए पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं पाँच मिनट के जब मैं टाइम फ्रेम पे आया हूँ तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने बॉटम टू टॉप लिया है जब मैंने बॉटम टू टॉप लिया तो यहाँ पर मेरे को लगता है अगर कल ये अपने टॉप का ही ब्रेकआउट दे देती है बिकॉज अभी अपने हाई पे क्लोज करा है सो तो अगर ये थर्टीन के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो भी आप लोग अपनी इस पर बाइंग बना सकते हैं अगर बाई चांस हम लोग देखते हैं कि ये नीचे आ रहा होता है तो हमें क्या करना है हम लोगों को पेशेंसली वेट करना है हम लोगों को वेट करना है अगर दस रुपये नीचे आता है मतलब एक बढ़िया बाइंग जोन बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बाइंग जोन जो है वो ये है ठीक है एक बढ़िया बाइंग जोन है ये लेवल पे आपको क्या करना है आपको नीचे आता है इधर कहीं डिप ले रहा होता है तो यहां पर आप बाइंग के मौके ढूंढ सकते हो यानी कि एक रेंज बता देता हूं थर्टीन थर्टी टू थर्टीन थर्टी फाइव के आसपास अगर कभी आता है और आपको लगता है इस रेंज के ऊपर जा रहा है दोबारा बता रहा हूं स्टॉक आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, आया इस रेंज के अंदर आ गया रेंज के अंदर आने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना जब ये रेंज के ऊपर जाता है और ब्रेकआउट दे रहा होता है इस रेंज के ऊपर तो बाय करना है आपको ठीक है आई होप मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया होगा किस तरीके से आपको अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर ट्रेड करके चलना है लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक डी मार्ट डी मार्ट वाला स्टॉक भी मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा हुआ है वाई बिकॉज यहां पर भी एक क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये देख रहे हैं एक फॉल आया एक कंप्लीट ब्लैक फॉल आया उसके बाद इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा इस पर्टिकुलर लेवल पे ओके okay, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लियर ब्रेकआउट आया अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है थर्टी थ्री थाउजेंड फिफ्टी सिक्स स्टॉक भी हम लोगों ने बाय करा है अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया अभी भी आप लोग बिट क्यूरियस हो रहे होंगे कि ये स्टॉक किस लेवल पे बाय करवाया होगा डोंट वरी अभी मैं बता दूंगा बट बत यहाँ के जो टारगेट्स हैं यहाँ के टारगेट्स और ज़्यादा हैं फॉर एग्जाम्पल जो मेरा टारगेट था मेरे क्लाइंट्स का पर्सनली एज बी टी टारगेट था वो था थ्री बट मैंने वहाँ पर एग्जिट नहीं करवाया अगर आप लोग बी या एस ट्रेडर हो यू कैन एग्जिट बट अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो तो आई थिंक ये थर्टी

ठीक है तो हमें करना क्या हम लोग वन आर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं बिकॉज वन मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़े बहुत लेवल्स हम लोगों को चेंज देखने को मिल रहे हैं ओके okay? यहाँ के जो टारगेट्स हैं आप लोगों को करना क्या है थ्री जीरो सिक्स जीरो थ्री जीरो सिक्स जीरो के ऊपर अगर ये जाना स्टार्ट करता है ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट यहां से आप लोगों को तीस चालीस रुपए इजिली दे सकता है अगर आप लोग इंटरेडेड ट्रेडर हो तो तीस चालीस रुपए लेकर आप निकल सकते हो बट अगर आप लोग रुक सकते हो फॉर अ थ्री डेज और फोर डेज आप लोगों को यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एज अ स्विंग ट्रेडिंग मिल सकती है ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये किस स्टॉक को किस लेवल पे बाय करा ओके लेट्स मूव टू एट ओनली एंड नॉट बिलो ठीक है हमारा टारगेट थ्री जीरो फाइव जीरो का ही था तो हम लोगों ने ट्वेंटी नाइन एट सिक्स पे बाय करा है ठीक है मतलब जब ब्रेकआउट आया था एग्जैक्ट उसी लेवल पे जब ब्रेकआउट आया था सो so, यहाँ पर आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं गाइज एज अ टी ट्रेडर एंड जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं विद इन अ डे और टू हम लोग ओपन कर देंगे ट्वेंटी से सो so, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सार उस फोन में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है कि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम भी पूरा भरा हुआ है तो मैं सबके रिप्लाई करूंगा बट प्लीज भी पेशेंट मैं अभी फोन बंद कर देता हूं वो क्योंकि इन बिटवीन बहुत मैसेजेस आते हैं बट अभी कम से कम साढ़े तीन सौ चार्ट थी जब मेरे को नितिन ने बताया तो अब मैं आप लोगों के वो सारे चैट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा उसके बाद हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कब से ज्वाइनिंग डेट स्टार्ट हो रही है ओके यहाँ पर अब ये स्टॉक आप लोगों को बता दिया लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज आयोनेक्स आयोनेक्स की अगर मैं बात करूं आयोन लेजर की ये स्टॉक हम लोगों को लाइव मार्केट एनालिसिस पे किसी ने बताया था कि सर इस स्टॉक को वॉच करके चलिए अच्छे लेवल्स पे है सो so जब मैंने देखा तो मुझे लगा येस ये रिकमेंडेशन हो सकता है स्टॉक पे अगर मैं आप लोगों को, को दिखाऊं इस स्टॉक ने करा क्या है परफॉर्मेंस ठीक है ये देखिए ये स्टॉक ऊपर गया नीचे आया एंड अब ऊपर गया और ये देख रहे हैं ये प्रीवियस कैंडल जो थी एक पूरी डाउनफॉल एंड ऊपर गई है ठीक है और आज गैप अप के साथ खुला और एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे है सो so, अभी ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है सॉरी गाइस बहुत ज्यादा मैसेजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे ठीक है लेट मी जस्ट वेट मैं इस मैसेज को म्यूट कर देता हूं आप लोगों के लिए ओके okay. यहां पे अब हमें ट्रेड कैसे करना है करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो करंटली ट्रेड कर रहा होगा अराउंड टू पे ट्रेड कर रहा है अगर मैं आयोन ले ट्रेड कहां पर करना है आप लोगों को किस लेवल पर ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है तो अगर टू ब्रेकआउट देता है लेट मी टेल यू अगेन इन टू नाइनटी फाइव पंद्रह मिनट का मैं टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए ये देख रहे हैं देखिए ओके सो आई गेस यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है uh, जो कि मुझे पहले दिखा नहीं था एंड uh, अब दिखा है ये देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आज बहुत सारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ओके सो आई गेस ये स्टॉक भी एक अच्छा स्टॉक है आप इस पर भी एक ट्रेडिंग बेट तो डेफिनेटली फिर लेकर चल ही सकते हैं अगर मैं टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस की बात करूँ तो यहां पर आप लोग 294 के ऊपर एक बाइंग करके चल सकते हैं ठीक है 294 के ऊपर आपको बाय करना है एंड आई पर्सनली थिंक इसके जो टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स हम लोग फाइंड करते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ठीक है बिकॉज मैं डेली टाइम फ्रेम को ज्यादा फॉलो करता हूं अकॉर्डिंग टू पांच मिनट पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आई थिंक अगर आप टू पे बाय करोगे तीन सौ से थ्री हंड्रेड तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आयोनॉक्स लेजर के अंदर ठीक है अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की जो कि हमारा है एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिमार्ट भी आप बाय कर सकते हो बट इस स्विंग ट्रेडिंग की हम लोग बात करते हैं ये स्टॉक मैंने सजेस्ट नहीं करा अपने क्लाइंट्स को बिकॉज ही मैंने लास्ट पे ही देखा है जब मार्केट बंद हो रही थी और बंद हो ही गई थी तो इसका सबसे पहले वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान जिंक मैंने अपने आज मेरा स्विंग ट्रेड है और इसको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जिस लाइन को आप लोग यहाँ देख सकते हैं Just give me a second. Yes. ये एक है जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ करी हुई है, है ठीक है अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक सिंपल पैटर्न फॉलो हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सो so, आज बहुत सारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिले हैं उस पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सो डेफिनेटली ये वी कैन गो फॉर अय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक वीकली ब्रेकआउट दिया है एक अ वेरी गुड ब्रेकआउट दिया है एंड अगर मैं बात करूं तो आर एस आई की तो आर एस आई सेवेंटी रुपीज पे ट्रेड कर रहा है जो कि एक बढ़िया लेवल होता है ब्रेकआउट के लिए ठीक है अब अगर आर एस आई सेवेंटी पे ट्रेड कर रहा है तो मैंने बहुत बार देखा अगर सेवेंटी सेवेंटी टू के आसपास अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो जनरली वो एक बार रीटेस्ट करने आता है एक अच्छी अपमूव देता है उसके बाद रीटेस्ट करता, करता है और कंसोलिडेट करता है सो आपके पास दो ऑप्शन है अभी मैंने कुछ बताया नहीं है कि कहां तक जा सकता है क्या बट मैं आप लोगों को अभी दो ऑप्शन समझा रहा हूं उस पर कैसे ट्रेड करना है या तो ये कल भी और ऊपर जा सकता है पहला ऑप्शन तो भी आप लोग कल ही बाय करके चल सकते हो दूसरा ऑप्शन या तो पेशेंसली वेट करो ये नीचे डिप दे दस पंद्रह रुपए की उसके बाद कंसोलिडेट करो उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दो वाइबल ऑप्शंस आपके सामने मैंने बता दिया अब आप उसके थ्रू ट्रेड कर सकते हो यहां पर बात करें कैसे हमारे टारगेट्स फाइंड करने हैं सो आई थिंक जो मेरा राइट शोल्डर है मैं उसको टारगेट मान के चल सकता हूँ तो आई थिंक जितना भी मेरा राइट शोल्डर था ये मेरा टारगेट है तो आई गेस बिकॉज अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ओके okay? तो ये मेरा टारगेट है आई थिंक अगर मैं मान के चलू अभी करंट प्राइस है थ्री फोर्टी फाइव रुपीज का जो मेरा टारगेट होगा इसका चार सौ रुपए का होगा तो चार सौ रुपये तक के लिए आप हिंदुस्तान जिंक को होल्ड करके रख सकते हैं कल ये स्टॉक में अपने क्लाइंट्स को भी डेफिनेटली सजेस्ट करने वाला हूँ तो ये स्टॉक बढ़िया स्टॉक है अब बात करें सर क्या ये नीचे आ सकता है डिप देने डेफिनेटली आ सकता है कैसे आ सकता है लॉजिक दिखाता हूं मैं इसका इसे हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे पता लगाना ये देखिएगा स्टॉक ऊपर गया नीचे आया स्टॉक फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया एंड फिर ऊपर गया फिर नीचे आया दोबारा ऊपर गया तो ये हल्का सा डिप दे सकता है एंड उसके बाद दोबारा ऊपर जाकर फिर डिप्स दे सकता है ऐसी ही रैली कंटिन्यू कर सकता है तो यस ये स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म करेगा कर सकता है तो या तो आप डिप के लिए वेट कर सकते हैं या कल कुछ क्वांटिटीज तो ले ही सकते हैं अगर डिप दे तो को कर सकते हैं है? तो को को प्रोवाइड करवा होगी बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का वीकली चार्ज पे भी क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है अगर आप यहां देखेंगे यह देख रहे हैं। इतने सारी कैंडल्स बनने के बाद एक क्लियर कैंडल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है बहुत टाइम बाद ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेब फेब में हम लोगों ने एक वीकली क्लोजिंग देखी थी किस लेवल के ऊपर हम लोगों ने एक वीकली क्लोजिंग देखी थी पंद्रह हजार के ऊपर फेब के एक वीक पे ये देख रहे हैं छोटी सी कैंडल ये छोटी सी कैंडल का हम लोगों ने पंद्रह हजार के ऊपर एक बार क्लोजिंग देखने को मिला था उसके बाद हर हफ्ते ये पंद्रह हजार के नीचे ही क्लोज करा है ठीक है बट अब आप देखेगा अगर मैं आप लोगों तो को, को दिखाता हूं तो इसने अब जाके अठ आठ फरवरी के बाद जाके इसने यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया बट अभी बात करें तो वीक अभी स्टार्ट ही हुआ है ठीक है तो हो सकता है ये दोबारा नीचे आ जाए और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे क्योंकि वीक अभी ही स्टार्ट हुआ है अभी पूरे कम से कम चार ट्रेडिंग डेज अभी तीन ट्रेडिंग डेज अभी भी बचे हुए हैं ठीक है तो यहां पे हम लोगों को पेशेंसली वेट करना है अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है पंद्रह हजार के ऊपर तो पंद्रह हजार पांच सौ सोलह हजार तक के लेवल्स भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस छः महीने और के अंदर छः महीने और के अंदर मुझे लगता है सोलह हज़ार के आसपास तो निफ्टी पहुंच सकता है बट एक बार ये वीकली क्लोजिंग मिलने दीजिए जैसे ये वीकली क्लोजिंग मिलती है उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं मैं अभी आप लोगों को गाइस प्लीज़ निफ्टी बैग निफ्टी पर ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं दूंगा अगर मैं आप लोगों को वन डे के टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है ये देख रहे हैं ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा ऊपर ये जा चुका है कम से कम चौदह से ये तीन दिन के अंदर सॉरी चौदह हजार छह सौ से लेके पंद्रह हजार दो सौ पंद्रह हजार एक सौ तक पहुंच चुका है तो मैं सजेस्ट करूंगा यहां पर अभी बाइंग ना करिए ना सेलिंग करिए पेशेंसली वेट करिए एक वीकली क्लोजिंग मिल जाने दीजिए उसके बाद हम लोग फ्रीली ट्रेड करेंगे बाय ऑन डिप्स ओके सेम गोज विद बैंक निफ्टी हमें जरूरी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस पे भी ट्रेड करें उसके बाद हम लोग अपने स्टॉक्स पे भी ट्रेड करें सो so, यहां पर आप लोग डेफिनेटली स्टॉक्स पे मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉक्स पे ट्रेड करिए बैंक निफ्टी पे ज्यादा ट्रेड मत करिए इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर भी इससे एक सेकेंड गाइस ओके यहाँ पर भी ये इस लेवल पे ही रुका हुआ है बहुत टाइम से देख रहे हैं ये अपने एग्जैक्ट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आ चुका है तो यहाँ पर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर भी ट्रेडिंग अभी बेट लेकर मत चलिए लेट्स मूव टू वीकली टाइम फ्रेम तो वीकली टाइम फ्रेम तो पे अगर आप लोग देखेंगे ये देख रहे हैं ये देखिए अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाता हूं फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम ये देख रहे हैं एग्जैक्ट अपने 50 परसेंट पे ही आ चुका है तो 50 परसेंट पे पहली बार में यहां पर भी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली सेकंड टाइम देखने को मिली थर्ड टाइम भी, भी देखने को मिल सकती है गाइस सो प्लीज बी पेशेंट्स अगर इसका ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली ये थर्टी तक भी जा सकता है बट अभी के लिए हमें एक बार वेट करना है अगर ये अपने आज के जो इसका आज का हाई था अगर अपने आज के हाई को ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा होगा कल तो इंट्रा डे एक बाइंग कर लेना बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड मत करना निफ्टी पे तो ट्रेड नहीं करना बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हो कल अगर अपने आज के हाई को ब्रेकआउट दे ओके थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप आप लोगों को यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी हिंदुस्तान जिंक एज अ स्विंग ट्रेड डी भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर सकते हो एंड यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो इंस्टाग्राम पे मैं दोस्त बताऊंगा उस पर भी आप लोग डेफिनेटली ट्रेड करेगा गाइज उस पर भी कल एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है सो so अस और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो मैं वहां पर आप लोगों को टाइम बता देता हूँ हम लोग किस टाइम यूट्यूब पर लाइव आते हैं बाय बाय गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ